बचपन में हम सुना करते थे एक आईएसआई मार्क, मैंने तो काफी सुना है कि अगर आईएसआई मार्क लगाओ किसी पे तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो टेस्टिंग हुई है ना, कि मतलब कि अगर प्रेशर कुकर भी फटेगा नहीं है, कि अगर मैंने लेके अपनी मम्मी को दे दिया तो इट इज सेफ, आईएसओ एक ऐसा ही मार्क है। तो ऐसा कोई सोच, ऐसी कोई साइन, ऐसा कोई सिंबल आज एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, जिसको कि हम देखें या हमारे बच्चे देखें तो उनको ये समझ में आए कि भाई ये खाना सेफ है या ये चीज सेफ है। तो सात्विक एक ऐसी सोच है, एक ऐसा सिंबल है जो हम इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अभी तो हिंदुस्तान की बात हो रही है, लेकिन हम इसको इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन पूरी दुनिया में भी हैं, तो जितने यहाँ हैं उतने ही बाहर हैं। अमेरिका में भी आपने देखा होगा, मोदी जी गए थे तो पूरा स्टेडियम उनके सत्कार के लिए आया था। कि 2030 में क्या होने वाला है, तो अगर आप देखें तो हर जगह डिजिटल एनेबलमेंट बढ़ रहा है, राइट? तो उसी तरह से सात्विक एक ऐसी सोच है जो हमको पूरे 130 करोड़ लोगों के पास पहुंचानी है। तो हमारा मकसद ये है, और सात्विक एक ऐसा एम्बलम बनेगा आगे जाके जो सब पहचानेंगे। तो अब बात तो हो गई कि हाँ जी, पहुंचा देना चाहूंगा अभिषेक जी को, वो आके बताएं हमें कि सात्विक के बारे में क्या सोच है उनकी। तो अभिषेक जी बचपन के मित्र हैं हमारे, तो इन्होंने यहाँ पर आके कई साल ये देश से बाहर रहे, कुछ इन्होंने वहां पर अपना ज्ञान अर्जन किया, उसके बाद ये देश में आए तो उन्होंने समझा कि भाई यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने खड़ी है वो ये है। तो अभिषेक जी स्वागत है आपका। ये है, एक तो सबसे पहली बात, एक तो हमारी पद्धति पता चलनी चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। और वो यहाँ पे कुछ हमारे मित्र आए हुए हैं जो रेनू के फ्रेंड्स हैं, वो लोग गाय के सिस्टम से कुछ बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी भेजे थे, बहुत रेलिवेंट चीजें हैं। ये क्या है कि इन इन सारी चीजों का जो हमारा जो पिछला 5,000 साल की जो हमारी सभ्यता है उसके ऊपर ये पूरा कंप्लायंस बेस्ड है। मैं आगे आपको थोड़ी चीजें समझाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। एक एक और बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन ब्रांड है विच इज कॉल्ड हलाल। आई थिंक एवरीबडी नोज हलाल की, हलाल की कंप्लायंस के आज की तारीख में कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो वो बगैर हलाल सर्टिफिकेशन के नहीं हो पाएगा। 100% नॉन वेजिटेरियन की बात मैं कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन का कोई कंटेंट हो, बगैर हलाल के सर्टिफिकेशन के लिए आप उसको रिटेल नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी। अब लोगों को ये खाली पता है कि हलाल जो है वो खाली एक नॉन वेज से रिलेटेड है, लेकिन मैं कुछ आगे की स्लाइड्स आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब हलाल सर्टिफाइड कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, दे आर इनटू कॉस्मेटिक्स, उनको इट्स नाउ बिकमिंग अ सर्टिफिकेशन ब्रांड, क्वालिटी ब्रांड, जिसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का एक ब्रांड बन रहा है। हलाल टूरिज्म में भी है कि जो लोग हलाल, जो लोग कुछ ऐसे होटल्स हैं, कुछ ऐसे टूर मैनेजर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर केटर करते हैं, और वो दे टेक केयर ऑफ दिस हलाल टूरिज्म। जैसे हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा होती है जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या खाना है, तो उसी तरह से एक हलाल टूरिज्म का, एंड इट इज अ 1.4 बिलियन डॉलर का इस समय मार्केट है इसका। हलाल इज ऑल्सो इन टू फैशन, तो हलाल सर्टिफाइड फैशन डिजाइनर्स हैं अभी यूएई में, दुबई में, इधर जहां पर आप उनसे ड्रेसेस बनवा सकते हैं वो हलाल सर्टिफाइड है। सो अब इसमें मीट का कुछ कहीं रह नहीं गया, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, कि अब हलाल कुछ ऐसे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोक भी हलाल सर्टिफाइड है, पानी भी हलाल सर्टिफाइड है, डेयरी मिल्क भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा हलाल सर्टिफिकेशन पे है, किट कैट, ऑरेंज फ्रेश जूस, वेजिटेरियन नूडल्स तक हलाल सर्टिफाइड है। नो मोर हलाल दुनिया के लिए एक क्वालिटी एश्योरेंस का ब्रांड बनता जा रहा है, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए कंफ्यूजन का ब्रांड बनता जा रहा है। दे आर कंफ्यूज्ड कि आज अगर मैं जूस पी रहा हूं उसके अंदर हलाल का लोगो लगा हुआ है तो फिर वो उसका रेलेवेंस क्या है जिसको इसके बारे में पता ना। ये लास्ट है, हलाल सर्टिफाइड आपको वाटर प्यूरिफायर भी होता है। कुछ हलाल एक्सपोनेंट है तो योग इज अ पार्ट ऑफ सात्विक, आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ सात्विक, वास्तु इज अ पार्ट ऑफ सात्विक, तो
सात्विक इज वन अम्ब्रेला जिसके अंडर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं. और सात्विक जो वर्ड यूज किया वो श्री कृष्ण ने यूज किया गीता में, और ये बताने के लिए किया कि सात्विक इज स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब रजस और तमस का जो बैलेंस होता है उसको सात्विक बोला जाता है. तो हमने सात्विक नाम इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि रिटेल में भी सात्विक आए, क्योंकि मॉडर्न डेज मॉडर्न टाइम है. आज अगर एक वेजिटेरियन किचन है तो उसका एक कंप्लायंस अगर हो तो वो सात्विक की तरह हो. किचन है वो इस लोगों के ऊपर है कि आप कोई भी चीज जो खा रहे हैं अगर वो सात्विक सर्टिफाइड है तो इसका मतलब वो प्योर है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नॉन वेजिटेरियन कंटेंट नहीं है और वो एक शुद्ध वातावरण में बनाया गया. इस पूरे क्वालिटी एश्योरेंस का ये तीन चार बेसिक फीचर्स हैं. जैसे मैंने बताया अभी कि सात्विक को हम जगहों पर है लेकिन अब वो हम मल्टीपल उनके साथ में लैब्स की हमने तैयारी करी है खोलने की, कि जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं वैसे ही मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर हम इतना बड़ा नेटवर्क बना देंगे कि आप खाना भी वैसे ही टेस्ट करा लो, कि आप घर पे बुलाओ या आप होटल में कहीं बैठे हो आपको लगा कि ये खाना एक बार मुझे टेस्ट कराना चाहिए तो आप एक ऐप के थ्रू कॉल करो और बंदा आएगा वो खाना सील करेगा और लेके चला जाएगा और अगले दिन आपको रिपोर्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे. क्योंकि अगर ये चालू कर दिया तो फिर आपको ब्लड रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ये लैब स्टार्ट हो गए तो फिर उन लैब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. तो सेकंड, एक रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं कर रही है कुछ, सरकार करती है, बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारा डिजिटल इंडिया बहुत सब कुछ कनेक्ट कर रही है, बट एक रोबस्ट मैनेजमेंट चाहिए आज की तारीख में. कंप्लायंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. आज अगर आप देखो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं देयर आर, मेरे ख्याल से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है खाने का, बट खाने के एक्सपोर्ट के साथ सबसे पहले कंप्लायंस आती है. वो फैक्ट्रीज के ऊपर एक आईपी लेती है, वो नॉलेज ट्रांसफर करती नहीं किसी और यूनिवर्सिटी को, वो कहती है अगर पढ़ना हो तो हमारी यूनिवर्सिटी में आओ, अगर ये काम करना हो आपको, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो ये हमारी आईपी है, आप यही पढ़ा सकते हैं, हम किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे. ये अब कोई साउथ में बंदा बैठा है वो आता है नॉर्थ में, एग्जैक्टली अलग एनवायरमेंट में वो आता है पढ़ाई करता है. हम लोगों ने इसको एंटायरली डिफरेंट सिस्टम पे ले गए हैं इसको. हम लोग चाहते हैं कि एक कॉमन आदमी, जिस तरह से LIC ने हिंदुस्तान के अंदर LIC एजेंट्स बनाए, ऐसा हम चाहते हैं पूरे देश भर में रहे. ये मेन एजेंडा है. इसके अंदर जो मिनिमम कैपेसिटी है, कोई ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, दे कैन डू दिस प्रोग्राम. उनका एक हमारा एक बेसिकली एक आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम है 1-1.5 महीने का. इट इज 100% ऑनलाइन. आप उस पर आइए, आकर के 1.5 महीने में अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म करिए एंड यू बिकम अ सात्विक सर्टिफाइड. मैं गया हूँ इंडिया में, इंडिया के बाहर यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे मैंने प्रमोट किया, जैसे UAE की यूनिवर्सिटी है दुबई की जहाँ पे मैं टॉक के लिए गया था, ये उत्तरा यूनिवर्सिटी है मलेशिया की, 100% हलाल कंट्री है, जहाँ पर पहली बार जाकर के किसी भारतीय ने सात्विक के बारे में बात करी हो किसी ऑडिटोरियम में. हमारा जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा है कि यूनिवर्सिटीज और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहे सात्विक क्या है, उनको एक ये डेली लाइफ में उनके सिस्टम आए कि हाँ फूड क्वालिटी एश्योरेंस हमको देखना है. वी नीड वॉट एवर वी नीड टू ईट, जो हमारे अगल बगल के लोग हैं उनको भी समझाएं और खुद जो तो लें वो तो लें. नाउ जॉब के लिए आज जो सबसे बड़ा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आजकल हर जगह स्पेकुलेशन है जॉब की, कि यू नो इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत सारा वो आया कि नहीं जॉब्स ओरिएंटेशन पे. जॉब्स एक्चुअली इंडिया के अंदर जो कंसिस्टेंसी है, एक मैंने छोटी सी एक रिपोर्ट देखी थी उस दिन क्विंट की, वो ये बता रहे थे कि 95% ऑफ द बीटेक इंजीनियर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल. आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिकॉज वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो इंडस्ट्री में अडेप्ट नहीं हो सकते. सो कहीं ना कहीं एक गैप है और कहीं ना कहीं एक एवेन्यू का एरिया है, वही सात्विक बेसिकली देना चाह रहा है कि आज कम से कम
इंडिया के अंदर देर आर 20 लाख 20 लाख से ऊपर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और जिसके अंदर वेजिटेरियन कंपोनेंट की कम से कम 17 लाख यूनिट्स हैं, जिनको की लोगों की जरूरत है, जिनको की कंप्लायंस की जरूरत है, जिनको एक सिस्टम की जरूरत है, जिनको एक नई सोच की जरूरत है, कि एक नए पैराडाइम की जरूरत है। सात्विक उसके लिए काम कर रहा है। तो हमारा एक ये विजन है कि 2025 तक सात्विक पूरे टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आईआरसीटीसी के साथ में हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि जैन फूड का एक कंसेप्ट था उसको एबॉलिश कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो सच थिंग एज जैन फूड एक्चुअली, क्योंकि जैन फूड का कोई रेलेवेंस नहीं है उसके पीछे। तो उसको सात्विक में लेकर के आ रहे हैं, और 100% वेजिटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो क्राइटेरिया हो गया प्योर वेज और एक हो गया वेज। तो जो प्योर वेज है वो सात्विक सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वी आर डूइंग दिस विद आईआरसीटीसी। कुछ दिनों में आप किसी भी शताब्दी में जाएंगे या राजधानियों में जाएंगे तो आपको सात्विक का स्टिकर मिलेगा उसके ऊपर, खाने के ऊपर, कि वो प्योर वेजिटेरियन है। ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर जो कॉलेज के हमारे कुछ मित्र आए हुए, उन लोगों को ये दिखाई पड़ेगी एवेन्यूज कहाँ पर हैं इसके, कि अगर जोमैटो से, फूड पांडा से और स्विगी से कम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर इनकी जो अगर कोडिंग देखेंगे तो कम से कम 32 लाख कोडिंग होती है पर डे की, जिसके के अंदर ये लोग स्टीफ अप करते हैं और वो कोडिंग्स पर जनरेट होकर के आती हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और रेस्टोरेंट्स उनको सप्लाई चेन में डालते हैं, और जिसके अंदर 65% है लोग वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करते हैं, लगभग 65%, और 100 में से 65 लोग वेजिटेरियन फूड अप्लाई ऑर्डर करते हैं। और ये जो नीचे के जितने ब्रांड्स हैं ये तो प्योर वेजिटेरियन है, अपने आपको प्योर वेजिटेरियन बताते हैं। तो यहाँ पर कंप्लायंस की बहुत जरूरत है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं, यहाँ पर जो सात्विक सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक नई सर्टिफिकेशन का, ऑडिट का, ट्रेनिंग का एक पार्ट हमारा है, वो हम डाल सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर हम लोगों ने उसको एक सर्टिफिकेशन में डेवलप कर दिया। ये हमारी वेबसाइट है, जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया है, इसमें आप अंदर जाएंगे और अंदर जाकर रजिस्टर करने के बाद में, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, या जो भी सात्विक का कोर्स, जो भी सात्विक के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आता है, उसके बाद में इस तरीके का उसका एक प्लेटफॉर्म, उसका एक अंदर का, उसका एक पेज बन जाएगा उस बंदे का खुद का, और वो कुछ इस तरह से एग्जाम्स को दे पाएगा ऑनलाइन। ये लगभग हर हफ्ते, अब कल के बाद से, 19th के बाद से, नेक्स्ट संडे से हर दिन ये एग्जाम्स खोलेंगे, एवरी सैटरडे। हमारे पास इस समय लगभग इस तरीके के पेपर्स की शीट है, जो कि उसको लगभग एक घंटे के अंदर पूरी करनी होगी। ये हमारा कुछ विजन है 2020 तक का, जो हम लोग का मेन, जो हमारी एनजीओ है उसका मेन विजन, जिसको हम मान के चले कि ये मेन विजन है। और ये हमारी मैनुअल है जो कि हमने अभी डिजाइन कर ली है, अमेजोन के साथ में ये अवेलेबल है अभी, और ये दुनिया की पहली वेजिटेरियन फूड सर्टिफिकेशन का मैनुअल है। आज हर दो घर कोई ना कोई पेशेंट कैंसर का है, आज सारा फूड आपका एडल्ट्रेटेड है, सात्विक फूड नहीं है। जब मैं एमएलए बना तो मेरे से चीफ मिनिस्टर ने महकमा पूछा और ये कहा कि आप फूड सिविल सप्लाई मंत्री बन जाए। मैंने कहा ये मैं नहीं निभा पाऊंगा, कारण के ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर जैसा स्वादिष्ट लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक फूड।